Hello, welcome to my YouTube channel Makeup with Prats. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. आज ऐसे ही मैंने गणेश चतुर्थी के अवसर पे मेकअप किया है. नीचे सोसाइटी में प्रोग्राम था तो मैंने फटाफट अपना क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग किया है. उसके बाद मैंने इनसाइड का कंसीलर और येलो ऑरेंज और मैंने कंसीलर मिक्स करके लगाया है जहाँ जहाँ मेरी डार्कनेस है. ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, मतलब काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ. फटाफट ब्लेंड हो जाता है, आपके हाथ से ब्लेंड हो जाता है. और ये मेरा मिक्स फाउंडेशन, जो ये मेरा फॉर्मूला है, इसको मैंने चेहरे पे लगाया क्योंकि इसमें मैंने प्राइमर ऑलरेडी मिक्स किया है तो मैंने अलग से नहीं लगाया था. और जब भी जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता है, ज़्यादातर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं ये मिक्स फाउंडेशन लगा लेती हूँ क्योंकि इसमें मैंने सब पहले से मिक्स किया है और ये मेरे स्किन टोन का एकदम मैच है तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि ये कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा. मैंने फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से लगाया और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया अच्छे से. अभी मैंने नेक पे नहीं लगाया है और आप देखोगे तो फिर भी मैच कर रहा है फेस से. वैसे फाउंडेशन का यही रूल होता है कि आपको नेक पे ना लगाना पड़े और वो मैच करे. मैंने फिर वहाँ पे इनसाइड का कंसीलर लगाया और फिर शुगर का कंसीलर लगाया आईवरी शेड में हाईलाइट करने के लिए. अब मैं आगे से सोच रही हूँ कि मैं अलग अलग ब्रांड्स के इंडिविजुअल रिव्यू करूँगी. मेरे पास जितना सामान है उससे मैं एक मेकअप क्रिएट करूँगी तो आगे वाले आने वाले समय में होगा. फिर मैंने यहाँ पे इनसाइड का लूज पाउडर लिया और अपने चेहरे को सेट किया है. ये जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है ये वाला वेट नहीं था तो मैं जैसे सेट करना होता है तो मैं ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से भी करती हूँ. फिर मैंने शुगर की 3-in-1 पैलेट ली और सबसे पहले ब्रॉन्जिंग की एंगल ब्रश से. फिर नोज़ को तो मैं फिंगर से करती हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. फिर मैंने यहाँ पे इसी से आज ब्लश लगाया है एक छोटे पाउडर ब्रश से. फिर उसको मैंने ब्लेंड किया है. और ये आजकल डब्लू ब्लश और ये सारे बहुत ट्रेंड में हैं और अच्छे लगते हैं ब्लश, उसके बिना मेकअप बहुत अधूरा लगता है. और ये मेकअप के लिए मैं लेट हो गई थी, मैंने बहुत फटाफट मेकअप किया और मैं नीचे गई थी. फिर मैंने अच्छे से एक अपने ही ब्यूटी ब्लेंडर से जितना भी मैंने सब लगाया था उसको एक साथ ब्लेंड किया है. मैं एंड तक ब्लेंड करती रहती हूँ, जो लगाया मैंने ब्लेंड किया, इससे कहीं से वो पैची नहीं लगे. अगर कहीं क्रीज आ रही है उसको स्ट्रेच किया ब्लेंड किया, स्ट्रेच किया ब्लेंड किया. यहाँ पे मैंने शुगर का ब्राउन आईलाइनर लिया था, उसको एज अ काजल भी लगाया है और स्ट्रेच करके एज अ लाइनर भी. मेरी आँखें थोड़ी छोटी है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे ब्राउन लगाऊँ या और किसी कलर का लगाऊँ तो थोड़ा सा उनको डेप्थ मिलता है.
ब्लैक में वो और छोटी कभी कभी लगने लगती है अगर उसको प्रॉपरली नहीं अप्लाई किया गया। फिर मैंने उसको ब्लेंड किया, ब्लेंड इतना नहीं बस थोड़ा सा स्मेच किया ताकि हार्श लाइंस ना दिखे। मेकअप मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, अभी मुझे अपना सामान अरेंज करना है, मुझे कई सारा सामान मिलता नहीं है फटाफट। फिर मैंने हाइलाइटर लिया और हल्का सा अप्लाई किया। अभी मैंने शुगर का लिक्विड हाइलाइटर नया लिया है, उसको मुझे लगा के एक दिन वीडियो बनाना है। अभी पाउ जल्दी थी तो जो मैं करती रहती हूँ उसी से किया है। फिर मैंने पर्पल की आईब्रो पैलेट ली और एक ब्रश से बस उसको हल्का सा शेप दिया है। ऑलरेडी मतलब मेरी आईब्रोज ठीक है, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, तो जब भी मुझे जल्दी होती है तो थोड़ा सा किया और वो गुड टू गो रहता है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था कि मैं कोई आई शेडो यूज़ करूँ, तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर को ही एज अ आई शेडो लगाया था अपने लिड एरिया में, और ये एक सॉफ्ट सा इफेक्ट भी दे रहा था और टाइम भी नहीं लगा। जब भी ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मैं इस तरीके से अपना मेकअप कंप्लीट करती हूँ। मैं अलग अलग तरीके के वीडियोस अभी रिकॉर्ड करने वाली हूँ, अभी मेरा चैनल नया है जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं 2 मिनट में भी मेकअप कर लेती हूँ, 5 मिनट में भी, 10 मिनट में भी, जैसा जितना टाइम है। फिर मैंने यहाँ पे शुगर की लिपस्टिक ली है और ये पीची पिंक शेड है, अभी मैंने लेटेस्ट लिया और अभी इस समय मेरा फेवरेट है। मैं इसको ही लगाना प्रेफर करती हूँ डे नाइट फंक्शन सब में। फिर यहाँ पे मैंने हल्का सा मस्कारा लगाया है, मेरा मेकअप डन है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।